नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आरंभ करते हैं 23 अप्रैल 2018। आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है? शुरू करते हैं मेष राशि से। पॉजिटिविटी की बात करें तो मन में नए कामों का एक अच्छा सा आइडिया बनेगा, जिसको करने के लिए आप काफ़ी उत्साहित भी होंगे। जो लोग अधिकारी वर्ग के हैं उनको और अच्छा प्रमोशन मिल सकता है या पैसे में इंक्रीमेंट हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में काफ़ी सुधार होने के योग बन रहे हैं। यात्रा अगर होगी तो वो काफ़ी लाभदायक होगी। आज आप मीठा बोलकर अपने पूरे काम को दूसरे लोगों द्वारा करवा रहे हैं। दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा। नए विचार आपके मन को काफ़ी उमंग से भर देगा। आसपास या साथ के लोग आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। कई तरह के नए विचार आने के कारण आप जो है नई योजनाएं अपने करियर के लिए भी बनाएंगे। नेगेटिव की बात करूं तो पैसे संभाल कर खर्च करें, किसी तिकड़मबाजी के प्रयोग से सावधान रहिए। इधर उधर की बातें सुनकर अपने पैसों को खर्च ना करें। हर चीज़ पे अपनी अकल को ज़रूर इस्तेमाल करें और किसी भी सीक्रेट को शेयर करने से बचें। क्या करें, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं या हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल दान देकर आएं। करियर की बात करें तो किसी अधिकारी वर्ग के इंसान से आपको सहयोग मिल सकता है, यानी कि आपके बॉस द्वारा आपको हेल्प हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई सैलरी या कोई इंसेंटिव आपको आज प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव समय है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करेंगे तो आज का दिन आपका सही जाएगा। हेल्थ के मामले में आपकी तबीयत जो है लगभग ठीक ठाक रहेगी, लेकिन कभी कभी जो है आपकी तबीयत में गड़बड़ी आ सकती है। अगर आप मौसम का ख्याल रखते हुए ज़्यादा पानी पिएं तो सेहत आपकी ठीक रह सकती है। वृषभ राशि का आज का दिन कैसा जाने वाला है? किसी मामले को लेकर कोई कन्फ्यूजन की स्थिति दिमाग में बन सकती है, या कोई ऐसा दोस्त या परम मित्र आपको इस कन्फ्यूजन से छुटकारा भी दिला सकता है। आज आप अपने कामकाज में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे आपके पुराने कोई अधूरे काम को भी आप निपटा सकते हैं। कुछ ज़रूरी मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। रहन-सहन स्टाइल और तौर तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है। महत्वपूर्ण लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके रुके हुए काम जो हैं वो बन सकते हैं। अगर नेगेटिविटी की बात करें तो आप कोई ऐसे फैसले ना लें जिससे आपका समय बर्बाद हो या किसी काम को लेकर आप ज़्यादा समय उसमें इन्वेस्ट ना करें। कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिन पर आपका नियंत्रण बराबर ना रहे। उसका कारण आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, जिस वजह से जो है नियंत्रित चीज़ें जो हैं वो बाहर हो जा रही हैं। क्या करें, खाने में अगर आप तिल का प्रयोग करें तो आज का दिन आपका अच्छा जा सकता है। करियर की बात करें तो बिजनेस में कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा योग बना हुआ है। स्टूडेंट का मन पढ़ाई में काफ़ी लगेगा और वृषभ राशि वालों को प्रमोशन या तरक्की भी मिल सकती है। सेहत की बात करें तो सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा। चंद्रमा के कारण धन लाभ का योग बन रहा है। खरीदारी हो सकती है। कोई रोचक खबर जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आपको देखकर दूसरे लोग अपने जीवन में किसी तरह का सुधार ला सकते हैं, यानी कि आपके द्वारा वो प्रेरित हो सकते हैं। आप दिन भर काफ़ी व्यस्त रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की वजह से आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और आपको काफ़ी फायदा भी होगा। कई तरह के मामलों पर बात करने के लिहाज से आज का दिन काफ़ी अच्छा है। कुछ रोचक बातें भी आज आपको पता चल सकती है। किसी के साथ विवाद में ना जाएं, कामकाज में खूब मन लगाकर करें। अपना उत्साह जो है हमेशा बढ़ा के रखें। घर का माहौल ठीक रहेगा। जीवन साथी से संबंध काफ़ी अनुकूल बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है। नेगेटिविटी की बात करें, अपने मूडी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। लगातार भाग दौड़ करने की वजह से कभी कभार जो है आपका मन खराब हो सकता है या थकावट हो सकती है। भाइयों और दोस्तों से अनबन होने की संभावना है, तो उनको किसी भी तरह से अवॉइड करें। क्या करें,
किसी मंदिर में सफेद मिट्टी दान करें। अगर करियर की बात करें तो ऑफिस में विवाद की स्थिति बन सकती है। बिल्कुल अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए अपनी मनस्थिति को संभालते हुए काम करें। स्टूडेंट को सफलता मिल सकती है, मेहनत करने पर ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर हेल्थ की बात करें तो सेहत में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहेगी। पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको आज सता सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा। आपके लिए दिन काफी अच्छा रहेगा, सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं, करियर में आगे बढ़ने के काफी मौके मिलेंगे और कन्फ्यूजन जो है या किसी दूसरे व्यक्ति से जो मन मुटाव है वो बिल्कुल आज दूर हो जाएगा। अचानक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लेना पड़ सकता है, आपको काफी अच्छा फायदा रहेगा। कई सालों बाद जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, जैसे कोई फंसा हुआ पैसा या फंसा हुआ कोई काम, वो आज पूरा हो सकता है। पैसों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखिए। नौकरी बदलने का विचार आपके दिमाग में आ सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। बिजनेस के कोई नई योजना आप बना सकते हैं। नेगेटिविटी की बात करें तो कुछ कामों में फालतू पैसा खर्च हो सकता है। आज आप ना कोई बड़ी योजना का फैसला लेंगे तो उसमें काफी सोच समझ के लें। किसी से किया गया कोई भी बड़ा वादा आपको परेशानी में डाल सकता है। क्या करें, मुनक्का, 5 मुनक्के आज आप खाकर घर से निकलें तो आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। करियर की बात करें तो नौकरी और बिजनेस में अचानक बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ की बात करें तो सेहत के मामले में आपकी तबीयत जो है थोड़े उतार और चढ़ाव में रहेगी। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसे जाने वाला है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। इसका प्रयोग अपने महत्वपूर्ण कामों में आप बढ़ चढ़ के लेंगे। जो महत्वपूर्ण मामले पड़े हुए हैं या पेंडिंग हैं उसको काफी सावधानी पूर्वक आप निकाल सकेंगे। कुछ परेशानियां, पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती है। संतान से आपको सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सुखद रहेगा। कामकाज ज्यादा हो सकता है। दिन भर आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जो आपके पुराने काम से आपकी जान पहचान हो। नेगेटिविटी की बात करें तो नौकरी धंधे में रुकावट आ सकती है। काम करने वालों को आपस में जलन हो सकती है। बिजनेस में लेन देन के मामले से आप पीछे हटिए। ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना ही करें तो अच्छा है। कोई आपके कामकाज में या आपके परफॉर्मेंस को देखकर जलन हो सकती है और जलन के कारण आपके पीछे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका मन जो है कभी-कभी कमजोर हो सकता है, तो अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल बना के रखिए और अपने मूड को हमेशा बेहतर बना के रखिए। क्या करें, एक मुट्ठी चने की दाल किसी मंदिर में दान देकर आए। करियर की बात करें तो बिजनेस में जोखिम उठा सकते हैं। कार्यस्थल में विवाद की स्थिति बन सकती है। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा रहेगा, काफी ध्यान से पढ़ाई करेंगे। हेल्थ की बात करें तो सेहत थोड़ी अप डाउन, यानी कि पानी की कमी के कारण कभी कभी आपको थोड़ा सा पैल्पिटेशन हो सकता है, तो आप पानी दबा कर पीजिए जिससे आपकी सेहत सही बनी रहे। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है? व्यस्तता ज्यादा रहेगी। किसी भी चुनौती को संभालने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और कमर कस के अपने मैदान पर उतर चुके हैं। जरूरी काम खुद निपटा लेंगे। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुभ है। आपको काफी फायदा मिल सकता है। काम की जगह पर आपका सम्मान रहेगा। लोग आपकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देख काफी खुश होंगे और सहयोग भी करेंगे। आज के दिन के काम की वजह से आने वाले दिन में आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लोग आपकी बात समझने को तैयार रहेंगे और आपके सहयोग भी करेंगे। धैर्य और ध्यान से काम करना है और एक एक करके काम निपटाते हुए आगे बढ़ना है। नौकरी धंधे के लिए दिन सामान्य है। संतान की उन्नति से आपको खुशी होगी। बिजनेस में कोई नई योजना पर काम कर सकते हैं। जीवन साथी आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल के रखिए। अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है। नेगेटिविटी की बात करें तो जल्दबाजी या जोश में आकर लोगों से ऐसा वादा ना कर दें जिसको निभाने में आपको कठिनाई हो। कुछ लोगों से बहस भी हो सकती है। आने वाले दिन को लेकर किसी तरह का टेंशन दिमाग में ना पाले तो ही अच्छा है। क्या करें, आज का दिन खाना खाने के बाद एक पान जरूर खाएं। पान खाने से एक तो मुंह की शुद्धि होती है, दूसरा मूड भी अच्छा रहता है।
करियर की बात करें तो बिजनेस के लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचें। नए अग्रीमेंट अभी तक अगर नहीं किए हैं तो आज का दिन नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। हेल्थ की बात करें तो मौसमी बीमारी आपको सता सकती है, तो इसलिए सावधान रहिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों का, आज का दिन कैसा जाने वाला है। रुके काम निपटाने के बाद आपका दिन अच्छा जाने वाला है। आज आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। आपकी कोशिशें देखने लायक होगी। बड़े लोग और पब्लिक से संबंध आपके काफ़ी अच्छे होंगे। आपको कोई नई जिम्मेदारी या पद मिल सकती है। आप व्यस्त रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। पैसे से जुड़े नए सौदे हो सकते हैं। ऑफिस के काम में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बिजनेस करते हैं तो कोई नया निवेश होने की संभावना है और वह भी आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होने वाला है। दोस्तों से संबंध सुधर सकते हैं। योग्यता और अनुभव से काम पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग और प्रोत्साहन मिल सकता है। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिल सकता है। अगर नेगेटिविटी की बात करें तो तुला राशि के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी थकावट हो सकती है। आज आपको अपनी इच्छाएं मारने की ज़रूरत है, क्योंकि काम सबसे पहले होता है। जो काम आपके पसंद के नहीं है, आपको न चाहते हुए भी वो काम करना पड़ेगा। कुछ मामलों में आपका मूड जल्दी ही खराब हो सकता है। किसी काम को लेकर आपको काफ़ी गुस्सा भी आ सकता है, जिससे आपके काम बिगड़ सकते हैं, तो सावधान रहिए। क्या करें, दूध पीकर थोड़ा सा पानी पिएं। करियर की बात करें तो ऑफिस में खुद अपने आप पर नियंत्रण रखिए। किसी भी विवाद से बचें। पद के लाभ की वजह से कई लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, तो उससे बचिए। स्टूडेंट के लिए अच्छा दिन रहेगा, दोस्तों से मदद मिलेगी। हेल्थ की बात करें तो सेहत भी कमज़ोर हो सकती है। रक्त विकार यानी कि हाई ब्लड प्रेशर आपको सता सकता है, तो सावधानी पूर्वक अपना ख्याल रखिए। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। कुछ नए काम को अगर शुरू करना चाहते हैं तो कर लें। सब काम आज आपका बनने वाला है। मन में तरह तरह के सपने और कुछ गंभीर विचार भी आ सकते हैं, और वो आगे जाकर आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। लोगों से मुलाकात के दौरान कुछ नए अच्छे और रोचक अवसर आपको मिल सकते हैं। कठिन मामलों को आप आज सुलझा सकते हैं। नेगेटिविटी की बात करें तो आसपास के लोग किसी न किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं। आज परिवार के कुछ लोग भी आपके कारण दुखी हो सकते हैं, इसलिए अपने वाणी में संयम रखिए। किसी बात का अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर आपको टेंशन हो सकती है। क्या करें, गुलाब का फूल सूंघें या फिर गुलाब का फूल अपने शर्ट में लगा के ले जाएं या अपने जेब में रख के काम के लिए निकलिए। करियर की बात करें तो बिजनेस में कुछ नया करने के चक्कर में थोड़े से परेशान हो सकते हैं या फालतू खर्च हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए किस्मत आज काफ़ी साथ देने वाला है और परिणाम भी अच्छे मिल सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। मौसमी बीमारी आपको सता सकती है, इसलिए पानी खूब ज़्यादा पिएं। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। ऑफिस की कोई पुरानी परेशानी खत्म हो सकती है। किसी खबर का इंतज़ार है तो आज वो आपको मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, यानी कि आप जिसके अधीनस्थ काम करते हैं उस बॉस का आपको सहयोग मिल सकता है। ज़रूरी काम निपट सकते हैं। योजना पर काम करने की वजह से काम की शुरुआत अच्छी हो सकती है। साथ के लोग आपको काफ़ी मदद करेंगे। संपत्ति से जुड़े कुछ मामलों को ध्यान से देखिए और उसमें अपनी नज़र गड़ा के रखिए। जीवन साथी का सहयोग काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा। नेगेटिविटी की बात करें तो गोचर कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा होने से दुर्घटना या चोट लगने की संभावना बनी हुई है। फालतू खर्च से बचें। आपको थोड़ी बेचैनी हो सकती है। बड़ा फैसला लेने में कन्फ्यूजन हो सकता है। अपने फैसले पर आपको पुनर्विचार करना पड़ सकता है। निजी जीवन और पैसे के मामले में कोई फैसला लेने से बचें। क्या करें, धनिया पाउडर और मिश्री मिलाकर एक साथ पानी में घोलकर उस पानी को पिएं। करियर, आपके फैसले आपको कई बार नुकसान भी दे सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक ही कोई डिसीजन लें। स्टूडेंट को दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। हेल्थ की बात करें तो सेहत संबंधी सावधानियां ज़रूरी हैं, और थोड़ी बहुत गड़बड़ी के बाद आपका दिन भर सेहत जो है सही रहेगा। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। किसी काम को आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, और आज आप खुद को नकारात्मक विचारों से बचा कर रखें। कोई नया काम शुरू करने से पहले 10 बार सोचें।
वाद विवाद से बचिए और अपने काम में बिल्कुल ज्यादा फोकस कीजिए। नेगेटिविटी की बात करें तो आज आप फालतू चिंता कर सकते हैं जिससे आपका बहुत सारा समय नष्ट हो सकता है। खर्चे की स्थिति बुरी हो सकती है, यानी कि फिजूल खर्च हो सकता है। मन में दबी कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको नेगेटिविटी से बचना है। क्या करें? मंदिर में जाकर मिश्री अवश्य चढ़ाएं। करियर की बात करें तो नौकरी पेशे और बिजनेस करने वाले लोगों को काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहिए। स्टूडेंट के लिए दिन खासकर बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। आप जो भी करें बहुत सोच विचार कर करें। हेल्थ की बात करें तो आज आपकी सेहत में पहले से ज्यादा सुधार आएगा। पुराने रोगों से आपको आराम मिल सकता है। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है? आज कामकाज में ज्यादा मेहनत हो सकती है। महत्वपूर्ण मामलों में कोई फैसला आपको काफी शांत बना सकता है, यानी आपको राहत पहुंचा सकता है। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। धैर्य रखने पे बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है। महत्वपूर्ण मीटिंग आज कर लें तो ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। नेगेटिविटी की बात करें तो दुश्मनों से सावधान रहना है। धन हानि का डर लगा रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण आपका मूड जो है खराब हो सकता है। सोचे हुए काम रुक सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कुछ अनबन हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए। क्या करें? गुलकंद खाएं। आप गुलकंद डायरेक्ट खा सकते हैं या पान में डालकर भी आप गुलकंद खा सकते हैं। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप काम पे फोकस कर पाएं। करियर, नई बिजनेस डील होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन काफी सावधानी से नए बिजनेस की डील के ऊपर ध्यान देकर काम करें। स्टूडेंट का समय सामान्य जाएगा। सेहत की बात करें तो सेहत को लेकर आज आप सावधान रहिए। दवाइयों और पुरानी बीमारियों को लेकर लापरवाही आपकी तबीयत को और बिगाड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। पुराने कर्मों का अच्छा फल मिल सकता है। अच्छे कर्मों पर ध्यान देंगे और उससे आपको खुशी मिलेगी। नए लोगों की सहायता कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती भी हो सकती है। आपको दूसरे की मदद करना अच्छा लगता है, इस वजह से आपको मौके भी मिलेंगे। आप इसको बिल्कुल हाथ से गंवाए ना और दूसरों की मदद जरूर करें। आज आप खुद से प्रेम करेंगे, अपने कामों को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। नेगेटिविटी की बात करें तो मीन राशि वाले लोगों को सावधान रहना है। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले 10 बार सोचें। आज किसी काम से संबंधित पुरानी जानकारी नहीं मिलने से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। कोई अनजाना डर या टेंशन आपको सता सकती है। क्या करें? भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। इससे आपके काम बन सकते हैं। करियर की बात करें, समय का सदुपयोग करें। दिन सामान्य होगा। उतार चढ़ाव होने पर भी मन को बिल्कुल शांत रखिए। हेल्थ की बात करें तो सेहत में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हो सकती है। स्पेशली बीपी यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं, तो इस ओर आप बिल्कुल सावधान रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।